ऐसे मान लो आपके सामने दिया गया 57 का स्क्वायर कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, ऐसे करेंगे 7 7 49, फिर 735, ऐसे फिर ऐसे। अरे ये सब तो गया, ये नहीं करना है। ये क्या कर रहे हैं, ये क्लास 10 और 12 या कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ रहे कि आप आंसर निकाल कर दे रहे। अरे ये सवाल के लिए भी आपको ऐसे करने का जरूरत है, आप सोच कर देखो। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है। क्या कर सकते हैं भैया, फिर वो देखो आपको कैसा भी स्क्वायर हो, और पूरा बेसिक क्लास चलेगा आपको शाम को 6 बजे, जैसे मैंने आप सभी को बताया है। मान लो आपके सामने दिया गया 41 42 43 44, इसका या फिर इसका या फिर किसी भी नंबर का, कैसे कर सकते हैं सब बताऊंगा मास्टरपीस फॉर्मूला के साथ। लेकिन ये दो आप याद रखना, ये और ये, अगर ये दोनों कहीं दिखे ना, या फिर आपको क्या दिखे, क्या दिखे, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ऐसा कुछ दिखे, तो आपको ना ये पेन जो है ना, पेन टच करने का भी जरूरत नहीं। आप ऐसे खड़ा होंगे, ऐसे बोलेंगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, बस देखकर आपको बताना है कैसे करेंगे। देखो एक बार नॉर्मल समझना पहले। अब मान लो आपको 41 का स्क्वायर क्या होगा पता करना है, तो जो पहले वाला तरीका है वो नहीं करना है। करना क्या है, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है भैया, लास्ट में तो एक दिखाई दे रहा है। 41 50 से कितना कम है, कितना कम है 50 से, तो आप बोलेंगे भैया ये तो दिखाई दे रहा है 50 से ना, 41 9 कम है। जो 9 कम है उसका स्क्वायर क्या होगा, वो तो सभी को पता है 81, और जो 9 कम था ना उसको 25 से घटा दीजिए, बिल्कुल 25 से घटा दीजिए, 25 से 9 घटाएं कितना होगा 1681 हो गया। 42 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से कितना कम है, तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, और वो 8 को 25 से घटा दो तो कितना होगा, 25 में से 8 घटाएंगे 1764 हो गया। 43 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 25 में से 7 घटा दो 18 हो गया। 44 का स्क्वायर क्या होगा, 44 का स्क्वायर देखकर बताना है बिना पेन का, बिना पेन का, तो आप बोलेंगे भैया 6 कम है 36 आएगा, और 25 में से अगर 6 घटाए 19, अरे बाप रे क्या बात है, बहुत बढ़िया, 6 कम है 36 और 25 में से अगर 6 घटा दे तो 19 होगा। 45 5 कम है तो 5 का 25 और 25 में से 5 गया आपका 20 हो गया। 46 50 से 4 कम है, 4 कम का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और 25 में से 4 घटाओ 21 होगा। 47 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से कितना कम है 3, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 09 लिखेंगे और 25 में से 3 घटा देंगे यानी 22 हो गया। कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04, 25 में से 2 घटाओ हो गया। 49 का स्क्वायर कितना होगा, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01 होता है भैया, और 25 में से 1 घटाए आपका 2401 होगा। ऐसे करना है, ये तो आप समझ गए होंगे ना भैया, फिर ये कैसे करें, अरे कुछ नहीं है ना, वही तरीका है, और मैं आपको मास्टर एक पीस फॉर्मूला बताऊंगा जिससे ना कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं 51 का बोलूं क्या होगा, अब ये 50 से कम था, ये 50 से ज्यादा है, तो 51 कितना ज्यादा है 50 से, 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01। अब 25 में 1 घटा रहे थे, यहां 25 में 1 जोड़ना है, तो 25 प्लस 1 26। 52 का स्क्वायर आप बता पाएंगे, अब भैया बता देंगे कि 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 25 में 2 जोड़ देना है यानी 2704 होगा भैया, बहुत बढ़िया भाई। 53 का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा भैया 3 ज्यादा है यानी 3 का स्क्वायर 09 और 25 में से 3 जोड़े 28 9। 4 का 25 से 4 ज्यादा है यानी 50 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 25 में 4 अगर जोड़ देते हैं तो 29 16 होगा। ठीक, 55 का स्क्वायर कितना, 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, और क्या भाई, और कुछ नहीं, 25 में 5 जोड़ना है तो हो गया। 56 का स्क्वायर क्या होगा, 6 ज्यादा है यानी 36 और 25 में अगर 6 जोड़ दे तो 31 होता है, हो गया। 57 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है 49 और 25 प्लस 7 आपका 32 हो गया। ऐसे करना है।
अब भैया 60 का आया, 70 का आया, 80 का आया, सब बता रहे हैं। ये तो आपको देखते बताना है, देखकर बताना, नोट्स कर लेना आप सभी। अगर 100 के नजदीक हो तब क्या करेंगे भैया? तब भी कुछ नहीं करना है, कुछ आपको उधर जाना है 99 वाले में, तब क्या करेंगे? 99 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? 98, 97, 96, 95 कैसे? बस देख करना आपको आंसर निकालना है। 100 से कितना कम है भाई? 100 से भैया जो कम है ना वो एक कम है। एक का स्क्वायर क्या होता है? 0, 1। अब वो जो एक कम है, जो दिया हुआ नंबर है उससे घटा देना है। 99 में से एक घटाएं 98, 0, 1। 98 का स्क्वायर 2 कम है, 2 कम का मतलब 2 का स्क्वायर 4, और वो 2 जो दिया हुआ नंबर है उससे घटाना है। 98 में से 2 घटाएं तो 96, 0, 4। 97 का स्क्वायर, तो भैया आप तो समझ गए हैं कि 3 कम है तो 3 को स्क्वायर 9 लिखो, और जो दिया हुआ नंबर है उससे 3 घटा दीजिए, यानी यहां पर 94, 0, 9 हो जाएगा। दिक्कत है भाई किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 96 का स्क्वायर क्या होगा? 4 कम है 16, और 96 में से 4 घटाओ 92, 16। क्या दिक्कत? कुछ नहीं भैया। 95 का स्क्वायर, अरे 5 कम है तो 25, और 90 में से 95 में से 5 घटाएंगे 90, 25। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 94 का स्क्वायर 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 94 में से जब 6 घटाते हैं तो 88 आता है। किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 93 में से जब 7 घटाएंगे तो 3 और 4, 86, 49 हो जाएगा। 92 का स्क्वायर करना है, अरे भैया 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 92 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 84 होगा। ठीक। 91 का स्क्वायर, अरे भैया एक ही चीज है 81, और यहां पर 91 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 82। हो गया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब तो आपको देखकर बताना है। अब मान लो 3 डिजिट वाला भी आपको बताऊंगा, दिक्कत मत लो आप सभी। अब मान लो आपके सामने कुछ अलग आ गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो आप देखकर बता दोगे, दिमाग में बैठा लेना। पेन उठाना नहीं है, पेन नहीं उठाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है। अब मान लो आप सभी ना, आप सभी के सामने एग्जाम में दिया गया है मान लो कुछ भी, 57 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर बोल दे आप सभी से 59 का स्क्वायर क्या होगा, या सभी आपसे बोल दे 83 का स्क्वायर क्या होगा, या बोल दे कुछ भी बोल दे भाई 72 का स्क्वायर क्या होगा, भैया कुछ भी बोल दे निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे निकाल लेंगे भैया? देखो ये तो समझ गए ना, और ये जो अभी बता रहा हूं ना मास्टरपीस फॉर्मूला, इससे ये भी सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? पहले ऐसे कर लेना, पहले ऐसे एक टी बना लेना, टी, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ऐसे बना लेना। ठीक है ना। अब ये 7 का स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलेंगे 49, बच्चों को भी पता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा आप बोलेंगे 25, बच्चों को भी पता है। अब क्या, इतना तो सभी कर लेंगे, अब क्या करना है आगे वो बता दीजिए। ये 5-7 दिखाई दे रहा है ना, इसको आपस में गुना करना है, गुना का मतलब मल्टीप्लाई करना है, यानी 7, 5, 35, और 35 को 2 से गुना करना है, कितना होगा 70। तो इस 70 को ऐसे लिख लेना है। ठीक। क्या किए? 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 7, 5, 35, 35 × 70, 70 को ऐसे ही लिख लिए। अब क्या करना है? बस जोड़ दो ना, 9, 4, 7, 5, 12, और 2, 7, 5, 12, 2 और 1, 3, 32, 49। आंसर निकल गया भाई, आंसर आप सभी का निकलकर आपकी आंखों के पास है। अब 59 का कैसे करना है? कुछ नहीं करना है भैया, ये 72 वाला मिटा दे रहे हैं, बाद में दिखाते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 5 का स्क्वायर 25, 9, 5, 45, 45 × 2, 90। अब 90 को ऐसे लिख दो, जोड़ दो, 1, 8, 9, 5, 14, 2, 1, 3। हो गया। 83 का स्क्वायर कैसे करना है? अरे कुछ नहीं करना है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन 2 डिजिट लेना है, तो 0, 9, और 8 का स्क्वायर 64, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48। ठीक। उसके बाद 9, 8, 4, 4 कितना होगा आपका 8, और ये 6। हो गया।
कंप्लीट हो गया 6889। कुछ है क्या सवाल में आप बताओ? कुछ नहीं है। अगर मान लो आप सभी को मैं बोलूं, यहां पर देखिएगा इसको मिटा रहे हैं, सभी ट्राई करना। अगर मान लो आप सभी के सामने बोल दिया 87 का स्क्वायर क्या होगा, अब वो तरीका मत करना कि पेन पेपर उठाकर करते रहिएगा, वैसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, नॉर्मल 7 का स्क्वायर 49 पता है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 पता है, 8 साते 56 और 56 इंटू 112। अब 112 कैसे लिखे भैया, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, ये फालतू का दिया गया, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। 8 साते 56, 56 इंटू 2 112, तो उसको छोड़कर इधर से लिखना है 112 बस। 9 का 9 उतरेगा, 4 प्लस 2 6 उतरेगा, 4 एक 5 उतरेगा, 7 एक 6 एक 7 उतरेगा, ऐसे करना है। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत समझने में, कैसा भी सवाल हो। अब देख लो जो आपको मैंने ये बताया था ना वैसे निकालते हैं। मान लो 93 का निकालना है, वो तो बता दिए फटाफट, 93 का स्क्वायर निकालना है कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 09 क्योंकि दो डिजिट आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ठीक है जोड़ दो 9, 4, 5, 1, 6 और ये 8, तो 8649 आया यहां पर, 8649 से। अरे भैया काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है क्या। इसमें से कुछ एग्जांपल ले क्या, 47 को पकड़ते हैं, 47 का स्क्वायर क्या होगा, यहां पर तो 2209 आया है, ये तो समझ गए कि 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09 और 25 में से 3 गया 22। अच्छा ये वाला तरीका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, ठीक है 9 उतरा, 6 4 10 उतरा, 10 का 0 उतरेगा, 1 कैरी हो जाएगा, बस जोड़ना है भाई, 6 5 11, 11 1 12 और 1 2209। अरे भैया क्या बात है, बिल्कुल पूरा सेम टू सेम आ रहा है भैया। अच्छा अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ना आप सभी के पास दिया गया है 66, इसका कितना होगा, अरे तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72 होता है भैया, 6 उतरा, 3 2 5 उतरा, 7 6 13 उतरा और 3 1 4 उतरा। दिक्कत, मैंने ये बोला था अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है 100 तक तो करना क्या होता है, मान लो आपको 73 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होता था, मैंने क्या बोला, दो संख्या दिखाई दे रही है ना तो 3 का स्क्वायर क्या 09, दो संख्या लेना है, प्लस क्या लेना है 7 का स्क्वायर 49 लेना है, ठीक। अब 7 3 21, 21 दूनी 42, 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद जोड़ देना है 9 2 9 4 13 और ये 5 4 1 5 हो गया। ये दिमाग में रखना है, पहला मैंने आपको ये मास्टरपीस फॉर्मूला बताया था अगर दो संख्या हो तो कैसे निकाल सकते हैं बहुत स्पीड, कैसे किया बता दे रहा हूं। एक एग्जांपल और, मान लो आपको 87 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दो संख्या आना चाहिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 साते 56 और 56 इंटू 2 हमेशा इंटू 2 करना है, गुना करने के बाद 112, तो ये वाला छोड़ देंगे जगह, अब ऐसे लिखेंगे 1 1 2 और दो संख्या होता तो बीच में बस लिखते हैं, अब इसको जोड़ देना है 9 6 5 और 6 1 7, आंसर हो गया। ये तरीका तो आप समझ गए होंगे। दूसरा बात, मैंने आपको ये भी बताया था भाई अगर 50 के सामने कोई नंबर हो ना 40 45 48 49 55 57 58 59 60 तो वो तो बस देखते बोल देना है, कैसे मैंने ये भी बताया था अगर मान लो आप सभी के पास दिया गया है 43 का स्क्वायर निकालना है तो तरीका क्या बताए थे, 50 से कितना कम है 7 कम है, 7 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 49 होगा, ठीक। अब जितना कम है 50 से ना उसको 25 से घटा देना है, 25 में से 7 निकालेंगे तो क्या होगा 1849 होगा, तो ये तो आप दिमाग में कर लोगे फटाफट। अगर मैं बोलूं 47 का बताइए,
तो आप बोलेंगे भैया 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, दो संख्या लिखना पड़ेगा, और 25 से 3 घटाएंगे 22 होगा। ये तो बस ऐसे बन रहा है बहुत फास्ट। अगर मैं बोलूं 52 का बता दीजिए फटाफट, तो आप बोलेंगे भैया 50 से इस बार ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कोई बात नहीं, 2 का स्क्वायर 04, और 25 में घटाएंगे नहीं क्योंकि 50 से ज्यादा है, जब 50 से कम था तो 25 से घटा रहे थे, इस बार 50 से क्या है ज्यादा है तो 25 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 25 2 27 आंसर हो गया। ऐसे ये तो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा बहुत काम आने वाला है। अब देखो तरीका, तीन डिजिट को हम कैसे कर सकते हैं फटाफट। अब मान लो ना, समझिएगा, बस समझने का फेर है, दो पहले ना दो चीज देकर आपको समझाऊंगा, तीन चीज। पहला यही तरीका समझना है भाई, दूसरा और तीसरा, इसके ऊपर सारा कैलकुलेशन स्ट्रांग है। अगर आपको बोले 107 का वर्ग बताना है भाई क्या होगा, या फिर एग्जामिनर बोले बाबू 157 का बताओ, या फिर बोले कि भैया 197 का बताओ, देखो मैंने सब सब ले लिया है, इसी में पूरा खत्म कर दूंगा, उसके बाद तो बस सवाल लूंगा, उसके बाद 200 300 400 100 के नजदीक भी ले लिए हैं, बीच में भी ले लिए और लास्ट में भी ले लिए, यही समझना है। अब देखो करना क्या है, आपको पहले यह समझना पड़ेगा दो तीन चीज, समझना मेरी बातों को, ये 107 किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, तो आप बोलेंगे भैया 100 के नजदीक है, ये इसमें भी अगर 150 के नजदीक हो तो इसमें भी 100 लेंगे, ये किसके नजदीक नजर आ रहा है, 100 की 200, तो भैया ये 200 के नजदीक आ रहा है तो 200 लेंगे। अब करेंगे कैसे पहले वो समझ लो, ऐसे हर एक सवाल करना है, 100 से कितना ज्यादा है भाई, तो 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है मतलब इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 114, और 7 का स्क्वायर कर देंगे, जो ज्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया हमारा आंसर हो गया। मैंने क्या किया, जितना ज्यादा है वो जोड़ दिए 114, और क्या किए, जो ज्यादा था उसका स्क्वायर लिख दिए, लास्ट में 2 ही आएगा 149, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था 112 का क्या होगा, तो कितना ज्यादा है 100 से, 12 ज्यादा है तो 112 में 12 जोड़िए कितना होगा 124, और लास्ट का जो दो डिजिट है इसका वर्ग कर दीजिए, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, लेकिन आपको लेना बस दो संख्या है, दो संख्या लास्ट का ये नहीं लेना है, तो ये क्या होगा भैया, ये जुड़ जाएगा इसमें, तो 124 में एक जुड़ जाएगा तो 125 हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है ना, बहुत फास्टली करेंगे कैसा भी सवाल, बहुत कुछ बाकी है। अब देखो मिटाते हैं इसको ना, इसको मिटा रहे हैं, अगर आपसे एग्जाम में अगर आ जाए 109 का स्क्वायर क्या होगा, तो दिमाग में करेंगे 109 प्लस 9 118, और 9 का स्क्वायर 81, आंसर हो गया भाई, कहानी खत्म, ये समझ में आया। अब इसको समझते हैं, अभी पूरा किस समझना है, अब इसको समझते हैं 157 का कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, 157 में 57 जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, 50 जोड़ेंगे 207, 207 में 7 जोड़ेंगे 214, ठीक। अब भैया अब तो 57 का ना करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, वो कैसे करेंगे, अरे बता तो दिए 50 का सामने वाला वर्ग कैसे करते हैं, 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 का मतलब 7 का स्क्वायर 49, और 25 में 7 जोड़ दीजिए 32 49, ठीक। अब इसमें क्या लेते हैं, बस लास्ट का 2 लेंगे, यानी 49 उतरेगा और ये 32 इसमें जुड़ जाएगा, कहानी खत्म, 214 और 32 कितना होता है 246 होता है, किसी को प्रॉब्लम, 24649 एक बार देख लीजिएगा आप सभी जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक बार फटाफट 157, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां तक तो आप सभी को समझ में आया, अभी पूरा तरीका नहीं पता है, अभी आपको ये देखो, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये क्या करेंगे भैया, आप 97 का स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं, 200 से 200 के नजदीक है, 200 के नजदीक है ना, 200 के नजदीक है तो 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है भैया, 3 कम है,
जो 3 कम है ना उसका स्क्वायर कर लेंगे, कितना 0.9, जो कम है उसका स्क्वायर करेंगे और 197 में से 3 घटा देंगे, घटाने पर क्या होगा 194 होगा। ठीक, आंसर नहीं निकला। अब ये किस पर कर रहे हैं, 2 से पर कर रहे हैं, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। यहां पर भी सेम चीज था, यहां पर 1 से गुना, अगर इसको 1 से गुना करें तो 214 आएगा, ऐसे था, इसको 1 से गुना करें तो वही आएगा। यहां पर भी देख लो, यहां पर 100 था तो 1 से गुना नहीं कर रहे थे, यहां पर 200 से 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 × 94, 4 × 8, 9 × 18, 2 × 1 = 2 + 1 = 3 और ये 0.9 उतर जाएगा, आंसर हो गया 38809, राइट। आई थिंक यहां तक तो सभी को समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, देखो, अब कैसा भी नंबर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मैं आप सभी को बोलूं एक बार ध्यान से, 215 का निकाल कर बताइए क्या होगा वर्ग, फटाफट क्या करेंगे, किसके नजदीक है, 200 के नजदीक है, तो क्या करना है, 200 के नजदीक है, 200 के नजदीक है तो 15 जुड़ेगा, कितना ज्यादा 200 से 15 ज्यादा है तो 15 जोड़ेंगे, तो 215 प्लस 15 230, इसको गुना किससे करना है, 2 से ही करना है भाई, ठीक है ना। चलो अब इस 15 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 225 होता है 15 का स्क्वायर, ये तो सभी को पता है, सभी को पता है कि भैया 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसको गुना करेंगे क्या होगा, 460, ये बस 25 आएगा यहां पर और ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 46225, आंसर। किसी को दिक्कत समझने में, कुछ भी सवाल हो आप कर लोगे, कैसा भी सवाल हो आपसे बन जाएगा, कुछ भी सवाल हो, अगर मान लो आप सभी से यही बोल दे बाबू 207 का स्क्वायर बताइए, अभी बड़े सवाल पर भी आते हैं, बहुत आराम से बनेगा, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 207 प्लस 2 214 गुना 2, ठीक, इस तरह 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 4 × 8, 2 × 1 = 2 और ये 2 × 2 = 4, ठीक, तो 428 और लास्ट में 49 उतर जाएगा, आंसर हो गया, आंसर निकल गया। अगर थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करूं, मान लो एक सवाल आप सभी के लेते हैं, 257 पर लेते हैं, 257 का स्क्वायर निकालना है, अब यहां पर बहुत जन फंस जाएंगे, अरे फंसना नहीं है ना, 57 का स्क्वायर तो निकालने हम सभी को आता ही है, ठीक है, तो 257 में अगर 57 जोड़ दे तो कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 314 होगा, ठीक, गुना किससे करना है, 200 के ऊपर कर रहे हैं, 2 से गुना, 57 का स्क्वायर अभी निकाले थे कितना, 49, 7 का स्क्वायर 7 ज्यादा है, 25 से 25 में जोड़िए 32, 49, अब ये लास्ट में बस 2 ही आएगा, ये 32 इसमें जुड़ेगा, पहले इसको कैलकुलेशन करो, 4 × 8, 2 × 6, 628 में 32 जुड़ेगा तो कितना होगा, 660, आंसर हो गया भाई 66049, देख लीजिए आप सभी, कैसा भी सवाल हो, और सवाल ले लेते हैं यहां पर, अगर मान लो ना थोड़ा सा अलग सवाल लेते हैं ताकि आप सभी को और क्लियर हो, मान लो आप सभी को दिया गया है 293, ठीक है ना, ये दिया गया है, अब इसमें क्या करेंगे, आप तरीका वो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप वो भी कर सकते हैं, 293 में 93 जोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी आएगा उसको 2 से गुना कर दीजिए, फिर 93 का स्क्वायर कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन आप थोड़ा तो जज करेंगे ना, ये किसके नजदीक है, 300 के नजदीक है, 300 के नजदीक है, तो 300 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 चुपचाप लिख लो, इसमें से 7 घटाइए बाबू तो कितना होगा, 286, अब 286 को गुना किससे करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, अब 300 को ऊपर कर रहे हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, 6 × 3 = 18, 8 × 3 = 24 प्लस 1 = 25, 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, आंसर हो गया 85849, कुछ भी हो, कैसा भी सवाल हो, आप आराम से निकाल सकते हो बिना किसी डाउट का, एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 × 3 = 18, 8 × 3 = 24 प्लस 1 = 25, 3 × 2 = 6 प्लस 2 85849, बिल्कुल कितना 85849,
ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लेते हैं। अगर मान लो 723 हो, चलो 723 हो, तब क्या करेंगे? वही चीज करना है। 723 हो फिर भी 723 इंटू 723, 700 के नजदीक है, यानी गुना किससे करना है? 7 से करना है। तो 723 में इस बार 23 जोड़ेंगे, जो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 746 हो जाएगा। और 23 का स्क्वायर तो सभी को पता है कितना होता है, 23 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 22 का 484, 23 का 529। ठीक, तो बस इसमें 29 लेंगे, 5 तो जुड़ जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 7 × 6 = 42, 7 × 4 = 28, 28 + 4 = 32, 7 × 7 = 49, 49 + 3 = 52, और तो 5227 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 में ये 2 जुड़ जाएगा, अब लास्ट का 29, 5227 = 9, 5227 = 9। कैसा भी सवाल हो भाई, कोई भी सवाल हो दुनिया का, आप बहुत स्मार्टली निकाल पाओगे अगर 2 क्लास आपने देख लिया तो। कैसा भी, जो भी बोलो ना, कौन सा सवाल निकालना है बोलिए, हम क्या निकाल कर दिखाएं आप सभी को, क्या निकालें आपको बताना है। 996 का क्या होगा स्क्वायर? अगर नॉर्मल बच्चा करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब आपको निकालना है, आपको पता है यार ये ना बाबू, ये हजार के नजदीक है। जब हजार के नजदीक है तो गुना किससे करेंगे? 10 से करेंगे। कितना कम है हजार से? 4 कम है भैया, 4 कम है, मतलब इसमें 4 घटाएंगे तो गुना किससे होगा? 992 से। ठीक, और 04 का स्क्वायर क्या था? सॉरी, 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 16 हो जाएगा। अब तो कहानी खत्म, कुछ कहानी है क्या? 992016, कैसा भी सवाल हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक एग्जांपल आपको और देते हैं, आपको फटाफट। अच्छा, इतना देर में तो आप सभी समझ ही गए होंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब एक बार आपको होमवर्क दूंगा, आपको एक बार ट्राई करना है। जो भी होमवर्क दूंगा, मान लो कुछ होमवर्क आपको देते हैं, इसको ट्राई करना है आपको। उसके पहले कुछ सिखा दूं आप सभी को, एक एग्जांपल और देखते हैं। 443 का स्क्वायर क्या होगा? 443 का आपको स्क्वायर बताना है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? भैया बता चुके हैं ना, ये 500 पर नहीं ले जाएंगे, इसी पर रखना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। 400 से कितना ज्यादा है भाई? 43 ज्यादा है। अगर 443 में 43 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 486 हो जाएगा। और 43 का स्क्वायर किसी को करने में प्रॉब्लम है क्या? 50 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर 49, 25 में 7 घटा दीजिए कितना होगा? 18 × 49, दिक्कत। उसके बाद 6 × 4 = 24, 8 × 4 = 32, 6 × 4 = 24, 8 × 4 = 32, 32 × 2 = 34, 16 × 3 = 19। एक बार और नीचे कर लेते हैं, 24, 8 × 4 = 32, 32 × 2 = 34, 16 × 19 सही है। अब इस 49 तो उतरेगा ही उतरेगा, लास्ट का 2 डिजिट उतरता है, ये ऐड हो जाएगा, 18 ऐड कर दीजिए, 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12 करेंगे, 4 × 1 = 5 = 6, 196249, देख लीजिए आप सभी, 196249, कुछ भी निकाल सकते हैं आप सभी एक बार। और हाँ, दिमाग में करिएगा, आज का आप सभी का होमवर्क रहने वाला है, सभी ट्राई करना, मैं होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट्स करना सभी फटाफट, और पेन मत लगाना, भले दिमाग में टाइम लगे। ठीक है, आपका पहला होमवर्क है 873 का स्क्वायर बताना है, पहला। कमेंट्स में करिएगा आप सभी, ठीक है।